गाड़ी पड़ला। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज हम ब्लॉग में जाने वाले हैं कहाँ पे? एक्चुअली मेरा कटक जाना है मेरे को। और अपन क्या है, सुबह सुबह निकले हैं, ठीक है, 5 बजे करीब। मैं 4 बजे उठा था, 4 बजे उठने के बाद बाहर निकला मैं निकलने के लिए, तो देखा बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा है, तो मैं सोचा थोड़ा लाइट होने के बाद निकलते हैं। बोल के 5 बजे मैं निकला और अपन जा रहे हैं अपने बेबो के साथ। और किस्मत ख़राब है कि बारिश हो रहा है, तो मैं जब उमरकोट से निकला और पापड़ानी तक पहुंचा, मौसम सही था, लेकिन जैसे पापड़ानी क्रॉस किया तो अचानक से बारिश होना स्टार्ट हो गया है। अब पता नहीं है बारिश कब तक चलेगा। मैं ऑलरेडी हाफ एन आवर यहाँ पे वेट कर चुका हूँ, उसके बावजूद भी यहाँ पे बारिश हो रहा है। पता नहीं गर्मी के सीज़न में बारिश कैसे हो रहा है, लग रहा है बारिश का सीज़न चल रहा है, ऐसा फील हो रहा है। और बेबो को थोड़ा वहाँ पे नहला रहे थे बारिश में, यहाँ पे ला सकते थे, लेकिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, मैं वहाँ पर फटक के यहाँ पर आ गया। पेट में थोड़ा गड़बड़ भी हो रहा है। और मेरे साथ जाने वाले लिकू भाई जाने वाले हैं, वो 5 किलोमीटर आगे वेट कर रहे हैं, तो मेरे को वहाँ पे पहुँचना था और रास्ते में बारिश हो गया। उनका वो भी घर से जस्ट निकले थे और बारिश हो गया, तो देखते बारिश कब तक होता है, फिर आगे बढ़ेंगे। अजय बहुत लंबा सफ़र करना है, एक 600 किलोमीटर से कम। यहाँ से कटक कितना होगा? 600 अप्रोक्सीमेटली उतना होगा, तो पहुँचते शायद रात हो जाएगा, नहीं तो अपने कैलकुलेशन के हिसाब से 4-5 बजे पहुंच जाते अगर बारिश वगैरह नहीं होता। देखते बारिश हो रहा है तो रुकेगा कब, उसके बाद निकलेंगे, तो बने रहिए ब्लॉक पे। तो गाइस हम लोग अभी भवानीपटने के ओर जा रहे हैं, कितना अभी कोकसरा में, कोकसरा जस्ट क्रॉस किए हैं, तो तकरीबन 100 किलोमीटर आ चुके हैं और थोड़ा उतरे हैं, पिछवाड़ा थोड़ा दर्द हो गया है और बारिश हो रहा था सुबह। अभी आसमान साफ है, बारिश नहीं है, थोड़ा धूप वगैरह आ रहा है, तो सुबह बारिश का दिक्कत था, अभी धूप होगा तो गर्मी का दिक्कत है, लेकिन जाना तो पड़ेगा। और भैया भी आ चुके हैं और ये हाथ वाथ में क्या क्या पहन लिए, टोपी वोपी खरीद लिए है नया, टोपी वोपी करके हीरो बन चुके हैं। तो फिलहाल मेरा पीठ बड़ा दर्द हो गया है, तो भैया को दिया हूँ गाड़ी चलाने, अब चलाएँगे, आगे आगे चलते हैं। धूप हो रहा है गाइस, थोड़ा लीची पी लेते हैं, गाड़ी को पार्क कर दिए, थोड़ा उसको भी रेस्ट चाहिए। भैया स्प्राइट पी रहे हैं, थक चुके हैं, बहुत गाड़ी चला, अब मेरी बारी है, मुझे चलाना पड़ेगा। धूप भयानक हो रहा है, क्या करें, पेड़ में छाँव भी नहीं, ऐसे पेड़ के नीचे रुके हैं क्यों, पेड़ में पत्ता ही नहीं है, है प्रकृति, क्या कर सकते हैं। अभी हम लोग तकरीबन कितना किलोमीटर आ चुके हैं, 160-165 अभी भी, और 400 किलोमीटर चलाना पड़ेगा, इस पहुँचते शायद रात हो जाएगा, बने रहिए ब्लॉक पे, कुछ हो जाए तो देख लेना। हे गाइस, बहुत थक चुके हैं यार, अभी बलांगीर के पास पहुँचे, यहाँ पे के साइड में डैम है या तालाब जैसा है, उसके पास पे एक पेड़ है, बड़ा सा बरगद का पेड़ है, तो उसके नीचे थोड़ा बैठ गए हैं, गाड़ी चला चला के पिछवाड़ा सूज गया है पूरा, थक चुके हैं, भूख भी लग रहा है। आप सोच रहे हैं यहाँ पे 10-15 मिनट रेस्ट लेके फिर जाएंगे, फिर ढाबा में खाएंगे, गाड़ी को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए, उसको थोड़ा छाँव में पार्क कर दिए हैं, और अपन लोग यहाँ पे ये बैग को तकिया बना के सो गए हैं थोड़ा सा। अभी कुछ देर बाद फिर से निकलेंगे, निकल के जाके खाएंगे, बहुत भूख लग रहा है, थक चुके हैं बहुत, धूप भयानक है यार, सुबह बारिश हो रहा था, अभी धूप इतना है। भैया तो टोपी लगा लिए, 250 का टोपी खरीदे हैं, सही है, हाथ में भी क्या लगा लिए, क्या एक लगा लिए, काला ना पड़ जाए इसलिए लगा लिए है, लड़की जैसा, क्या कर सकते हैं अपन लोग, हमारा फुल हट गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए गाइस फिर खाना खाते वक्त मिलेंगे फिर। भूख बहुत लग रहा है, इंतज़ार नहीं हो रहा है इसलिए पापड़ खा रहे भैया। और ये हम लोग पहुँच गए ढाबा में, ढाबा बहुत ही सुंदर है, कूलर वूलर लगा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भैया बहुत थक चुके हैं। गाइस ये बिरयानी आ चुका है, इट इज़ लुकिंग सो डिलीशियस, इसके साथ ये रायता है और झोल टमाटर झोल की, और ये प्याज अचार भी है,
भैया भूख भूख बहुत लग रहा है इसलिए बिना रुके खाना खाना स्टार्ट कर दे रहे हैं। देख सकते हैं खाने का हवस कितना है। गाइस पूरा चटाचट कर दिए, पूरा कुछ नहीं छोड़े बस प्याज के अलावा। और ये कोल्ड ड्रिंक्स, गर्म में ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स का मज़ा लेते हुए। वैसे यहाँ का आयोजन बहुत अच्छा था, 140 में बिरयानी बढ़िया था, टेस्ट एकदम भयानक। बहुत थक चुके हैं, नींद आ रहा है बहुत, आँख छोटे हो गए हैं, पूरा भैया का पिछवाड़ा दर्द हो गया है, हम थक चुके हैं, मेरे को नींद आ रहा है। गाड़ी गाड़ी पड़ ला, गाड़ी पड़ ला, गाड़ी पड़ ला। ये गाइस हम लोग बहुत बहुत चुके हैं और यहाँ पे ये है महानदी सेतु, देखो कितना बड़ा है। टू मच हॉट गाइस, बहुत धूप है, बहुत धूप, आग जल जा रहा है पूरा। पानी पी पी के गाड़ी चला रहा है। नाउ इट्स टर्न ऑफ भैया टू राइड द बाइक। और ये हम लोग कहाँ पे है, बौद्ध क्रॉस पे, पेट्रोल टैंक में पेट्रोल घुसाने गए थे, फोन पे काम नहीं कर रहा था, बड़े मुश्किल से गैस थी, तो लटक जाते हैं। तो चलते हैं फिर से सफ़र में, बने रहिए सफ़र में। कितना डरावना एरिया है गाइस, इस रोड से मैं पहले कभी नहीं आया, आप देख सकते हैं कितना डरावना है। मतलब ये पूरा रोड 100 किलोमीटर का रोड पूरा इतना डरावना लगेगा कि आप पुराने ज़माने की मूवी का जो विलेन का सीन रहता है ना, विलेन लोग किस रोड में जाना ना करते हैं, पूरा 100 साल पुराना रोड, बस में आता आता नहीं होगा और लोग भी अजीब अजीब लगते होंगे सब, पता नहीं टाउन वाउन कुछ है नहीं, बस खर्चा में ढाबा ढाबा है। ये हम लोग ट्रक जो बाईपास जाते हैं ना उसी रोड में घुस गए हैं गलती से, हमें गूगल मैप कर दिए तो गूगल मैप में दिखाया उसी रोड में घुस गए, पता नहीं चला। अल्लाह इतना डरावना रोड है, डर लग रहा है खुद ब खुद। रोड भी बहुत ख़राब है लेकिन शॉर्टकट है सीधा कटक, हमको भुवनेश्वर होके नहीं जाना पड़ेगा, डायरेक्ट कटक पहुँचेंगे, खोर्धा भुवनेश्वर नयागढ़ वो सब नहीं आएगा, सीधा कटक में पहुँचेंगे। लेकिन दिक्कत ये कि डरावना है बहुत, गाइस फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं, रात के 9:30 बज गए पहुंचते पहुंचते। और ये हमारे पार्टनरशिप सिमियन सर भी अभी तक गए नहीं है घर, तो अभी रूम में जाएंगे और रेस्ट करेंगे, बहुत थक चुके आप देख सकते हैं, मेरा मुंह जो है चूहे जैसा बन गया पूरा, बाल बाल सेट करना पड़ेगा, फ्रेश हो गया है। और ये हमारे ऑफिस का नया एक्वेरियम भी आया है, बढ़िया दिख रहा है ना, कैसा दिख रहा है गाइस कमेंट में बताइए जल्दी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।